शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें के कोविड-19 के कार्य योजनाओं को लेकर के समीक्षा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी, ये समीक्षा बैठक होगी। जैसा कि आमतौर पर रोजाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं, जायजा लेते हैं, दिशा निर्देश जारी किया जाता है। सभी जिलों में वायरस के रोकथाम को लेकर के, बचाव के उपायों को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे मुख्यमंत्री की तरफ से। इसमें उन तमाम चीज़ों पर चर्चाएं भी होंगे कि आखिर इस कोरोना काल के अंदर कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तौर पर लगातार बढ़ रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें और किस तरह के कदम के उठाए जाने की ज़रूरत है। आखिर इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम प्रयासों और कोशिशों के बावजूद अंकुश रफ्तार पर क्यों नहीं लग रहा, और ऐसे में अब पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश के सभी मंडलायुक्त भी मौजूद रहेंगे। तो विस्तार से ये बैठक होनी है शाम को 6 बजे, ये बैठक रखी गई है वर्चुअली, ये बैठक होनी है। इस बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम चीजों पर जायजा लेंगे। हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हैं। हरेंद्र, शाम 6 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि कोरोना के साथ साथ दूसरी तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर के भी चर्चा। बिल्कुल जबरदस्त। देखिए, हालांकि हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है रोजाना टीम 11 के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करते हैं। उस बैठक का एजेंडा रहता है कि जो कोविड-19 का जो एक्शन प्लान है, जो कार्य योजनाएं हैं और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो उनके क्रियान्वयन से जुड़ी रहती है, उसको लेके समीक्षा करते हैं और जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन आज शाम जो ये जो बैठक है, बेहद अहम बैठक कही जाएगी। सभी जिलों के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे, खासकर यूपी के सभी जो मंडलायुक्त हैं, एडीजी जोन है, डीआईजी हैं, पुलिस कमिश्नर है नोएडा और लखनऊ के, इसके अलावा सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, सीएमओ, निजी और जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उनके प्रिंसिपल, सीएमएस, ये सब शामिल होंगे। और जो नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए गए जिलों में जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव से जुड़ी जो कार्य योजना है उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, वो सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। तो इसलिए बेहद अहम मानी जाएगी। और इस दौरान ये मुख्यमंत्री अपने स्तर पर सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि जो निर्देश उनकी तरफ से। हरेंद्र, चूंकि कोरोना की रफ्तार पर अंकुश नहीं लग रहा, हालांकि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, मगर रफ्तार पर अंकुश नहीं लग रहा। एक दिन पहले भी हमने देखा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल के भीतर जाने के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया, दूसरी इस किस्म के तमाम प्रावधानों को अपनाया गया। क्या इस बैठक के बाद में कुछ नए दिशा निर्देश जारी होंगे, कुछ नई बंदिशें लगाई जाएंगी अब, ताकि कोरोना की इस रफ्तार पर रोकथाम हो सके? जब देखिए, नई कुछ गाइडलाइंस उसको लेके बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन जो पहले से जो तय गाइडलाइन है उनका उनको कंप्लायंस कराना, उनका अनुपालन कराना, सुनिश्चित करना, सख्ती के साथ लोग उसको फॉलो करें, ये बेहद जरूरी है। और इसी को लेकर हाईकोर्ट भी सख्त हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो बगैर मास्क के पब्लिक प्लेस पे पाए जाते हैं उनको ऐसा करने से रोका जाए और जो पेनल्टी है वो किया जाए। तो ऐसे में सीएम का जो पूरा फोकस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, जहां लापरवाही देखने को मिल रही है, और जो नोडल ऑफिसर जो अपॉइंट किए गए अपनी तरफ से जो उन जिलों की जहां ज्यादा संक्रमण है उनकी जो रिपोर्ट पेश करेंगे, उसके बाद जो जरूरी दिशा निर्देश सीएम को देने, उन सभी बातों को लेकर फोकस होगा। और कोशिश यही है कि कोरोना संक्रमण की जो जो रफ्तार है जो धीरे धीरे कम हो रही है उसको और उसको संयमित किया जाए, उसको और रोकथाम, साथ ही साथ जो संक्रमित लोग हैं उनके बचाव के लिए जो बेहद जरूरी जो बहुत शुक्रिया हरेंद्र चौधरी इन तमाम जानकारी के लिए।